नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सहरावत और आज की वीडियो अगर आपने समझ ली तो आप फ्यूचर ऑफ ड्राई क्लीनिंग भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने तीन भाग में बांटा हुआ है। एक कि पेपी वॉश प्रोग्राम का ओरिजिनल कहां से हुआ, इसकी शुरुआत क्यों हुई। सेकंड, पेपी वॉश प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। और थर्ड, और इंडिया में क्लीनिंग की एक नई जनरेशन ये कैसे शुरू करेगा। वर्ल्ड में जब पहली बार वेट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी आई तो उसको लाने वाले इलेक्ट्रोलक्स थे और उन्होंने लगून के नाम से इसको पेटेंट कराया। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो टेक्नोलॉजी थी ये यूरोप में बनी थी। इंडिया का कपड़ा, इंडिया की प्रॉब्लम बहुत अलग हैं। और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें वुलन ज़्यादा वेयर होता है, जो आपकी साउथ इंडिया उसमें कॉटन, जो आपकी ईस्ट इंडिया है उसमें टाइप ऑफ क्लोथ डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा वेयर होने वाला आइटम जो है आपका लेदर है। और आपकी वेस्ट इंडिया में, खास करके जो आपकी गुजरात की फैमिलीज़ हैं और आपकी मुंबई की ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एथनिक वेयर करते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस की और उसको हमने कोशिश की कि हम यूरोप के मेथड से क्लीन करके देखें, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव थे। इसके अलावा इंडिया में एक प्रॉब्लम ये थी कि जो वेट क्लीनिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग चाहे तो मशीन बेचने वाले थे, सॉफ्टवेयर बेचने वाले थे, जिनको लॉन्ड्री का कुछ नहीं पता था वो आईटी ब्रांच से थे, और इसके अलावा जो केमिकल बेचने वाले थे वो कुछ ना कुछ सेल्स पिच बना के मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि यही वेट क्लीनिंग है। तो जो इसका ओरिजिन हुआ वो आज से 1.5 साल पहले हुआ, जब मैंने ये डिसाइड किया कि जो गैप है इस सारी प्रॉब्लम्स में उनको हम सॉर्ट करेंगे। गाइस, जो सिस्टम होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, उसमें एक जो चक्का है वो दूसरे चक्के पे इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर दूसरा चक्का काम भी करना चाहता है तो पहला चक्का अगर खराब हो गया है तो दूसरा चक्का चाहते हुए भी काम नहीं कर पाता है। तो इसका ओरिजिन हुआ जब मुझे ये बात समझ में आई कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मुझे कंट्रोल करने पड़ेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग एक वेट क्लीनिंग डिज़ाइन करने के लिए, और तब जन्म हुआ पेपी वॉश प्रोग्राम का। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जितने भी हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं वो बेशक कहीं से भी मशीन खरीद लें, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर वो कभी भी कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इसकी ओरिजिन की कहानी कि हमने जो ब्रिज था वो ख़त्म किया। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में पेपी वॉश प्रोग्राम है क्या। किसी भी कपड़े को वॉश करने के लिए चार चीज़ों का समझना और चार चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें टाइम, टेम्परेचर, केमिकल एक्शन और मैकेनिकल एक्शन। अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉपर किसी भी कपड़े को, लॉन्ड्री तो बहुत दूर की बात है, आप एक प्रॉपर वेट क्लीनिंग भी नहीं दे सकते। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने पानी बढ़ा दिया तो फ्रंट लोड की मशीन में उसको वो मैकेनिकल एक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पानी उस चीज़ को सॉफ्ट बना देगा और कपड़ा अच्छे से धुल नहीं पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि केमिकल जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। अब मान के चले अगर आपने पानी कम कर दिया तो उसमें केमिकल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और जो उसका डर्ट है वो उसमें पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसमें आप जब पानी को कंट्रोल करते हैं, आप जब मैकेनिकल एक्शन को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। अब आप इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मैकेनिकल एक्शन है, कि मैकेनिकल एक्शन अगर आपने, जो मैं ड्रम प्रेफर करता हूँ, देखिए इंडिया में तीन तरह के ड्रम होते हैं, ओपन पॉकेट ड्रम, डी टाइप और आपका वाई टाइप। मैं प्रेफर करता हूँ वाई टाइप ड्रम, और मोस्टली जो मशीन्स हैं वो वाई टाइप में ही आती हैं। तो मैकेनिकल एक्शन में अगर मान लीजिए आपने ब्लैंकेट को फुल जी फोर्स पे नहीं चलाया तो उसका पानी नहीं निकलेगा, लेकिन आपने अगर पेपर साड़ी या डेलिकेट सिल्क साड़ी को आपने इतनी ज़्यादा जी फोर्स में चला दिया हाइड्रो करने के लिए तो वो फट जाएगी। इसके अलावा वॉशिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अगर मान लीजिए आपके पास बीडिंग वाला कपड़ा है और आप उसको फुल मोशन दे रहे हैं तो उसके बीड टूटने के 99% चांस हैं, लेकिन अगर आप उसी बीडिंग वाले कपड़े को धीरे 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 एक पेपी वॉश दे रहे हैं
तो वो कपड़ा खराब नहीं होगा, उसकी बीडिंग नहीं टूटेगी, और एक्स्ट्रा केयर के लिए हम उसमें लॉन्ड्री का नेट बैग यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ये सॉफ्टवेयर 100% प्रोग्रामेबल मशीन में ही चलता है। जब हम इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करके वाटर का TDS बेस्ट पॉसिबल रख के वॉशिंग करते हैं, तो जो रिजल्ट आते हैं वो एक्चुअल ड्राई क्लीनिंग वाले आते हैं। और इसीलिए जो वेट क्लीनिंग है, अगर आप मेरा सिनर साइकिल का वीडियो एक बार समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपी वॉश प्रोग्राम कैसे फ्यूचर है। तो मैं अपने ड्राई क्लीनिंग भाई बहनों से सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप रिन साबुन से अपने बाल धो सकते हैं? क्या आप गाड़ी वॉश करने वाले शैम्पू से नहा सकते हैं? इसका एक ही जवाब आएगा, नहीं नहा सकते। रीज़न क्या है कि जो आपने केमिकल चूज़ किया है वो भी बहुत अलग है। जब भी मैं केमिकल की बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि ड्राई क्लीनिंग के लिए आप एसिडिक यूज़ कीजिए, लॉन्ड्री के लिए एल्कलाइन यूज़ कीजिए, और नेचुरल फाइबर एक्सेप्ट कॉटन जितना भी है, या बहुत एक्सट्रीम डेलिकेट कोई कपड़ा है या फाइबर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप न्यूट्रल डिटर्जेंट इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे जो टाइम भी है उसको भी हम बहुत ध्यान में रखते हैं पेपी वॉश में, कि ज़्यादा टाइम के लिए कपड़ा अगर वाटर और केमिकल के कॉन्टेक्ट में आया तो भी ख़राब होगा, और अगर ख़राब नहीं हुआ तो वेस्ट ऑफ वाटर, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम तो हो ही रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने पेपी वॉश प्रोग्राम बनाया है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब इंडिया में मैकडोनल्ड्स आया था और इंडिया में जब डोमिनोज आया था तो उन्होंने देखा कि यहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक इडियट प्रूफ मॉडल बनाना है। पेपी वॉश उसी सिद्धांत पे मैंने आधारित किया। इसमें क्या है कि सारा का सारा काम ऑटोमेशन पे चलता है। सपोज कीजिए आप हमारी मशीन में एक साड़ी डालते हैं, क्योंकि ये इडियट प्रूफ मॉडल हो चुका है, इसमें कोई मैनुअल चीज़ नहीं है, तो आपने साड़ी का बटन दबाया और ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं, अगर वो 15 किलो की है तो आप उसको कम करके 2 किलो की लेके आ सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने 4-5 सिल्क की साड़ियाँ डाली हैं वो उसी अनुपात में, उसी रेशियो में वो वाटर लेगा, आपका मैकेनिकल एक्शन सेट करेगा, आपका केमिकल एक्शन सेट करेगा, आपका टाइम और टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता अपने कॉम्पिटिटर से, और इसलिए जो हमारा क्लीन क्राफ्ट है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, अगर वो 57-60 रुपीज़ में अगर ब्लैंकेट वॉश कर रहे हैं और टोटल पैकिंग कर रहे हैं, तो हम वो चीज़ 27 रुपये में कर देते हैं 27 रुपीज़ में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों पे मुझसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना ज़्यादा पैसा बचाया है। देखिए गाइस, कोई भी जो बनिया होता है वो दो हाथ से पैसे कमाता है, एक बचा के एक महंगा बेच के। जो हम पैसा सेव कर सकते हैं वो हम अपनी प्रोडक्शन में सेव कर सकते हैं। मैं जब केमिकल की बात करता हूँ तभी मैं एक चैलेंज करता हूँ कि आप हमारे 1 लीटर केमिकल से 1000 शर्ट वॉश कर सकते हैं। ये साइंटिफिक है, ये हाइपोथेटिकल कोई डेटा नहीं है। और मैं बार बार वीडियोस में ये भी बात बताता हूँ कि जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ या कोई डिज़ाइन मतलब केमिकल को करवाता हूँ या कोई नई फॉर्मुलेशन लाते हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ हमेशा स्टैंडर्ड रखता हूँ, 1 लीटर पानी, 250 ग्राम आपका कपड़ा और 1 ml डिटर्जेंट। अगर इसको किलो के भाव में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करें तो 4 लीटर पानी, 1 किलो कपड़ा और 4 ml डिटर्जेंट। तो अगर आपको एक कपड़ा 250 ग्राम की एक शर्ट जो एक्सरसाइज की आती है वो वॉश करनी है, तो पेपी वॉश उसको आराम से आपको करके देगा उसी रेशियो में। तो हमारी क्लीन क्राफ्ट की फ्रेंचाइजीज के पास 16 डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं हर एक चीज़ के लिए, जब वो हमारा ड्राई क्लीनिंग मॉडल लेते हैं। तो लॉन्ड्री में आप कुछ भी कर कीजिए, आप वेट क्लीनिंग में कुछ भी कीजिए, आप ड्राई क्लीनिंग कीजिए, आप कर्टेंस, आप ब्लैंकेट्स वॉश कीजिए, छोटे से छोटे हैंकी से लेके ट्रिपल लेयर की किंग साइज क्विल्ट कंफर्टर भी आप पेपी वॉश के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रेवोल्यूशन ये लेके आएगा वो लेके आएगा, जो कपड़े कलर ब्लीड करते हैं जिनको हाथ से धोना पड़ता था, अब लेडीज़ के गारमेंट को हाथ से नहीं धोना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस हम लेके वेट क्लीनिंग कर पाएंगे, तो पेपी वॉश हमारी USP है। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप में समझना है कि पेपी वॉश का प्रिंसिपल क्या है, तो आप मेरी सिनर साइकिल की वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ड्राई क्लीनर भाई बहनों को आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस इज़ हिमांशु सैराफ साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।